तो कैसे हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 9th के कॉट ऑफ के बारे में। मेरा नाम शिवम मिश्रा है, मैं जेएनपी कुशीनगर का छात्र रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। आप समझो कि एक आपके नवोदय के बड़े भैया आपको समझा रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से आप देखना, A to Z हर एक चीज़ में आपको बता दूंगा। कॉट ऑफ से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि कितने नंबर पे सेलेक्शन होता है, आपका ये जो डाउट आता है इसको भी हम एकदम डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर सेलेक्शन आप लोगों का होता है, और उसके साथ ही साथ आप लोगों का कैटेगरी वाइज क्या क्या दिक्कतें होती हैं उससे रिलेटेड भी, क्योंकि क्लास 9th वाले जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं सबसे बड़ा उसमें दिक्कत होता है कैटेगरी वाइज जो आपकी दिक्कत होती है उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सीट वगैरह अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से भी हम देख लेंगे यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे 3-4 सालों से वीडियोज़ बनाता हूँ तो पूरा भरपूर एक्सपीरियंस है। आपको दिक्कत थोड़ा भी चिंता करने की बात नहीं है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बहुत सारे बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपको एकदम बेफिक्र रहना है। आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पूरा रिसर्चिव और एकदम अच्छे से बताऊंगा, शायद ही यूट्यूब पे इतना डिटेल में कोई आपको बता रहा होगा, तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा, एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। तो ठीक है, ये हो गई कुछ बातें एक्सपीरियंस। ओ भैया थोड़ा दिक्कत है, चलिए ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जब मैं लिखूंगा तो उसको भी आप ध्यान से देखते रहना। थोड़ा सा पिंक कलर लेते हैं। यहाँ पे कितने नंबर पर सेलेक्शन हो जाता है, ये जो डाउट है एक 9th वाले बच्चे के लिए सबसे कॉमन है। पहले तो आप इस बात का ध्यान रखो कि पहले मैं थोड़ा सा इधर की बात कर लेता हूँ, पहले सीट वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलेक्शन वाला हम थोड़ा थोड़ा सा डिले होगा। आप पहले इसको सीट वाले को समझा दूंगा ना, तो इसको समझाने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। हर एक नवोदय विद्यालय में जो सीट खाली होता है, 2 सीट खाली होता है, 3 सीट खाली होता है, 5 सीट खाली होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सीट खाली होता है 9th क्लास के लिए। अब इतना सीट खाली है 2, 3, 4, 5, और ऊपर से इसमें भी कैसा सीट खाली होता है कैटेगरी वाइज, कि आपको कैटेगरी वाइज सीट खाली रहेगा। जैसे कि लिस्ट आया होगा तो लिस्ट पे तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई थी, उसको आप जा करके देखना। लिस्ट में आपका आया रहता है कि रूलर से कितना सीट खाली है, अर्बन से कितना सीट खाली है, गर्ल्स के लिए कितना सीट खाली है, बॉयज के लिए कितना सीट खाली है, ऐसे करके लिस्ट दिया गया रहता है। फिर आपकी कैटेगरी वाइज भी लिस्ट दी गई रहती है कि जनरल के लिए कितना सीट खाली है, OBC के लिए कितना सीट खाली है, SC ST कैटेगरी के लिए कितना सीट खाली है, ऐसे कर करके आप लोगों का लिस्ट आया रहता है। तो उस लिस्ट को आप देख लेना सबसे पहले, जिसमें नवोदय विद्यालय में आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो। मान लीजिए कि मैं मान करके चलता हूँ कि आप OBC कैटेगरी से हो, ठीक है, आप OBC कैटेगरी से हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में OBC के लिए 2 सीट खाली है, अब उसमें से भी एक गर्ल्स के लिए है, एक बॉयज के लिए है। तो अब ऐसे केसेस में जो सेलेक्शन होगा OBC कैटेगरी से सिर्फ 2 ही बच्चों का होगा। फॉर्म कोई भी भर दे, फॉर्म भरने के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है, तो फॉर्म आप भर भी सकते हो। फिर भी अब मान लीजिए जनरल के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट में 1 भी सीट खाली नहीं है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए 0 सीट खाली है, अब वहाँ पर जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया तो उसका सेलेक्शन बहुत बहुत कम चांसेस के होगा, मतलब होगा ही नहीं क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए सीट खाली नहीं है। ऐसे केसेस में, बहुत कम केसेस में हो जाता है कि मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है सबसे हाईएस्ट उसके मार्क्स है, तो ऐसे कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस में सेलेक्शन लिए जाते हैं। उसके बारे में नवोदय विद्यालय समिति बताती नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैंने देखा है कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैं फॉर्म अप्लाई कराया था लेकिन उनकी कैटेगरी में सीट खाली नहीं थी, फिर भी उनका सेलेक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जेएनपी पाठशाला ने नवोदय विद्यालय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए 2024 वाले बच्चों के लिए अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बच्चों के लिए पूरा फुल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। क्या क्या ये आपको थोड़ा मैं बता दूँ, आपको ये PDF सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, इसमें आपको 3500+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं तो लगभग एक सब्जेक्ट से 900 क्वेश्चंस आप समझ के चलो, 9 × 36 क्वेश्चंस के आसपास हैं उसमें। और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, यानी 2023 का भी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी आपको उसमें दूंगा, उसके साथ ही साथ उसका OMR शीट भी आपको दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, अभी दिवाली ऑफर है तो उसका जो प्राइस है 99 रुपीज़ है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर पे 30% का ऑफ आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आपको वो सिर्फ 69 रुपीज़ में पड़ जाएगा, 69 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे गया हूँ, जा करके खरीद लो। कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, वो हमारी टीम के नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लेना और कोर्स को खरीदो और दबा करके पढ़ो और जेएनपी पाठशाला से जुड़ जाओ। जैसे कि एक बच्चा था उसके, तो उसका जैसे वो रूरल एरिया से था, उसके डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ अर्बन से 1 ही सीट खाली था, फिर भी मैंने उसको फॉर्म अप्लाई करवा दिया और उसका सेलेक्शन हो भी गया,
और सिर्फ उसी का सिलेक्शन भी हुआ था। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, तो इतनी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपकी कैटेगरी में आपको सीट खाली मिल रहा है तो आपको तो फॉर्म अप्लाई करना है, बेफिक्र रहना। अब फॉर्म भरे कितने जाते हैं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है तो लगभग 1000 फॉर्म भरे जाते हैं, और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट थोड़ा छोटा मोटा है तो 800 से 700 फॉर्म भरे जाते हैं। मतलब 700 से लेकर के 1000 फॉर्म आप लोगों के भरे जाते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए। और बच्चे जो पेपर देने जाते हैं, तो पेपर जो आप लोगों का कराया जाता है, ज़्यादातर नवोदय विद्यालय का पेपर नवोदय विद्यालय में ही कराया जाता है, या एक दो जगह सेंटर आसपास के किसी स्कूल में दे दिया जाता है। तो आप जब पेपर देने जाओगे तो आप मान करके चलो कि लगभग 600 से 500 बच्चे आते हैं पेपर देने। अब इनमें से 4-5 बच्चों को सेलेक्ट करना रहता है, 4-5 बच्चों को, तो थोड़ा सा टफ होता है कंपटीशन। तो आपका जो मार्क्स होता है, तो ये वेरी सिर्फ ये नहीं करता है कि आप कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आप यहाँ पे मान करके चलो कि क्लास 9th वाले बच्चों के लिए ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है कि आपके आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो वहाँ पे आपके लिए मार्क्स अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट से है, उसके डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरे नंबर पे सिलेक्शन हो गया, और किसी कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी डिपेंड करता है, तो आपका मार्क्स जो होता है वो बहुत वेरी करता है। तो आपको ये मान करके चलना है कि जैसे मान लीजिए अभी ओबीसी का हमने एग्जाम्पल लिया था, अब ओबीसी का ही कोई लड़का है, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, लड़का को हम बना भी तो सकते हैं ना, हाँ ठीक है, मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी का एक लड़का है, अब उसने फॉर्म अप्लाई किया, तो अब यहाँ पे आप ऐसे समझो कि उसको अपने ओबीसी कैटेगरी में और एक ही सीट खाली है, एक सीट खाली है, तो ओबीसी कैटेगरी में जितने भी लड़के फॉर्म अप्लाई किए हैं, जितना भी पेपर दे रहे हैं, उन सब में सबसे मैक्सिमम मार्क्स उसको स्कोर करना पड़ेगा। अगर वो मैक्सिमम मार्क्स लाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए जितने ओबीसी कैटेगरी के मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे पेपर देने गए और उनमें से एक ही बच्चे को सेलेक्ट करना है 100 में से, तो अगर एक बच्चा जो है 90 नंबर लाया जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, बाकी सारे बच्चों के 90 से कम ही है, तो 90 वाले बच्चों का सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें ये जो कट ऑफ लोग बताते हैं क्लास 9th के लिए, मैं देखिए मैं आपको इसलिए भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसका स्पेशल कोई कट ऑफ ही नहीं होता है कि मैं आपको बोल दूं कि इतने नंबर आप आ जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो, ये ठीक है, ये क्लीन हो गया हमारा, ये भी हट जाओ जी, ठीक है, ये हट गया। तो यहाँ पे हम स्पेशली अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कट ऑफ के लिए कोई भी स्पेशल फिक्स नंबर नहीं होता है, फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, ठीक है, फिक्स्ड नंबर होता ही नहीं है। फिक्स्ड नंबर मतलब कट ऑफ आपको मान करके ही नहीं चलना है, फिर भी आपको एक सिलेक्शन की श्योरिटी चाहिए होता है कि कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मैं तो हमेशा 9th वाले बच्चों को बोलता हूँ कि कोई भी आप गर्ल्स या बॉयज कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से आओ, अगर आपका 95+ रहता है, 90+ रहता है और आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं क्योंकि इतने नंबर पे मतलब बहुत कम बच्चे रीच कर पाते हैं। और साथ ही साथ पेपर किस टाइप का आया हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। मान लीजिए कभी कभी पेपर जो होता है थोड़ा टफ आ जाता है, अब थोड़ा सा भी टफ पेपर आएगा, अब वैसे भी बच्चे नवोदय विद्यालय के जो पेपर देने जाते हैं सारे बच्चे तो एकदम प्रिपेयर होकर जाते नहीं है, तो कट ऑफ जो होता है 90 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, और कई बार पेपर थोड़ा आसान आ गया तो 92, 93, 95 नंबर तक भी जाने पे आपका सिलेक्शन हो। तो आपको ये मान करके चलना है कि इस एरिया में आपको इस जोन में आना है, मतलब पेपर देने जा रहे हो तो आपको 90 स्कोर तो करना ही करना है। और उसके लिए तो हम आपको जो तरीके बताए हैं, हमारा जो कोर्स है जो मैंने वीडियो में आपको बताया, उसको आप नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हो, क्योंकि कोर्स से आपको बहुत हेल्प होगा, वहाँ पे हमने आपको स्पेशली सारी चीज़ें की हुई है। और साथ ही साथ मैं प्रवीण एग्जामियों के साथ काम करके हम लोग सोच रहे लो कि आप लोगों के लिए पूरा वीडियो लेक्चर का फॉर्मेट लाएं, तो अगर उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करोगे तो हम इस कोर्स को पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर में एकदम कन्वर्ट कर देंगे। एक एक चैप्टर आपको वीडियो में पढ़ा करके लाया जाएगा एकदम अच्छे से, ताकि आपका एक एक चैप्टर साथ ही साथ ये पूरा कोर्स वगैरह भी उसी में एक्युमुलेट करके आपको दे दिया जाएगा, एकदम पूरा वीडियो लेक्चर वाला कोर्स। अगर आप उसके लिए भी बोलोगे तो हम उसके लिए भी ला देंगे। और इससे रिलेटेड भी कोई भी आपको देखो कट ऑफ से लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको एकदम मिनिमम यही सोचना है कि आपको 90-95 स्कोर करना है तो आपके चांसेस बनेंगे मतलब सेलेक्शन के। और कट ऑफ कुछ भी फिक्स नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, आपके कैटेगरी में कितना सीट खाली है, तो इन सारी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपना जो अपना सबसे बेस्ट देना है वो यही है कि आपको पढ़ाई लिखाई करना है। आप पढ़ाई लिखाई करोगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का तो सिलेक्शन हो ही जाता है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो मान लीजिए बाई चांस अगर आपके
आपके कैटेगरी में सीट नहीं खाली है। कोई बात नहीं, इधर का जो नॉलेज है ना, आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे बहुत यूज आएगा, दूसरे लेवल का कंपटीशन दोगे तो आपके लिए यूज होगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू देखने के लिए वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय नवोदय।